साथियों नमस्कार। हम इस समय उपस्थित हैं प्रयागराज में, जहां पे 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी गोहरी हत्याकांड को लेकर। उस घटना स्थल पर मौजूद हैं, यहां पे भीम आर्मी के काफ़ी कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जो है चंद्रशेखर यहाँ पे आए थे और वो आए, क्या जानकारी मिली क्या जानकारी नहीं मिली। हमारे साथ जो है महिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी पहले बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? मैं इस घटना को लेकर ये कहूँगी कि क्यों हमारे शोषित परिवार का ही हमेशा शोषण होता है। भाई आज यहाँ आए हैं, सारी चीज़ें डिटेल में अपने हाथ से उन्होंने लिखी है, इस पर पूरी स्टडी के साथ पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, शोषित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा और मजबूती के साथ जितने भी हम कार्यकर्ता हैं अगर सुनवाई नहीं होती है धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं कि जब तक हम लोग लड़ते हैं, अगर लड़ना स्टार्ट करते हैं तो जब तक न्याय नहीं दिला लेते, जब तक हम लोग पीछे हटते नहीं है, यही भाई का आदेश है। जब तक भाई ये पूरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, सारी चीज़ें हो नहीं जाती, जब तक हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे, भाई के आदेश अनुसार ही आंदोलन स्टार्ट होगा और भाई खुद इस आंदोलन को स्टार्ट करेंगे और DM कार्यालय का घेराव करेंगे। 17 तारीख को जो है DM कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया अभी, तो क्या राय है आप लोगों की? हम लोगों की यही राय है कि जैसा भाई का आदेश होगा हम उसी हिसाब से काम करेंगे, उनके राय के हिसाब से कुछ काम नहीं। आप लोगों ने तो सुना होगा कि चंद्रशेखर के साथ जो है काफ़ी युवा रहते हैं, तो हमारे साथ में जो पीछे दिख रहे हैं काफ़ी युवा हैं, युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं गोरी हत्याकांड को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जी हम अभी हत्याकांड को लेकर जो चंद्रशेखर आजाद जी कहेंगे वही उसी के राय पर हम लोग चलेंगे। कहाँ से हैं आप? हम सिकंदरा ब्लॉक बहरिया से हैं। पहली बार आए हैं क्या? जी सर पहली बार आए हैं। काफ़ी युवा और भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अरुण रावण जी हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, हम तो सरोणों के ईंट से ईंट का जवाब देने में माहिर हैं। अगर इस कांड से अगर हमें सफलता नहीं मिली या हमें न्याय नहीं मिला तो हम उनका जल घर जलाने का कार्य करेंगे और उनको मैं काटने का पीटने का हम भी कार्य कर सकते हैं। हमारे इनमें इतनी पावर है कि हमारे भीम आर्मी में इतनी पावर है कि हम भी उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। इस मैटर का खुलासा जो है 25 नवंबर को होता है, आज जो है 13 दिसंबर है, 18 दिन का गैप है, लेकिन भीम आर्मी तब तक कहाँ थी इसके बारे में भी बात करेंगे। कहाँ थे आप लोग? हम लोग पहले ही दिन से साथ में हैं। ये गलत बात है कि हाँ भाई आ जाए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति, जैसे भाई ने कहा ना, एक व्यक्ति 50 जगह नहीं जा सकता, लेकिन पूनम यहाँ है, इसका मतलब चंद्रशेखर रावण यहाँ पर है। तो मैं पहले दिन से हूँ, आज तक हूँ, हमेशा रहूँगी, बार बार आती रहूँगी, रोज आऊँगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक आऊँगी। यही बगल में जो है गुड्डन राज पासी जी जो है धरने पे बैठे थे, उनको उनके परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब कहाँ थे भीम आर्मी के लोग? तब भी हम लोग थे साथ में, ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ में नहीं थे, लेकिन कोई भी चीज़ अगर कोई भी बंदा पकड़ा जाता है तो उसकी भी डिटेल होती है। हम इस ऐसे ही नहीं किसी के लिए मुद्दे के लिए लड़ सकते हैं। पहले हमने उस परिवार से मिले, उनसे बातें करी, उन चीज़ों को समझा कि हाँ अगर परिवार का वो लड़का दोषी है या नहीं दोषी है, तब हम लोगों ने उनकी लड़ाई लड़ी। आज उस परिवार को भी हमने यहाँ पर बुलाया और उनकी भी बातें रखवाई कि वो जो लड़का है वो निर्दोष है। उनके परिवार वालों से, उनकी बहनों से, उनकी दादी से बात हुई है और भाई ने उनसे भी बात की है कि अगर वो दोषी नहीं है तो उनको भी वो भी रिहा होंगे और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका भी निवारण किया जाएगा। आप आगे आ जाइए। जिस तरह से यहाँ पे गोरी हत्याकांड हुआ इसके लिए क्या कहना चाहते? सर ये हमारे समाज में जो हो रहा है इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमारे तरफ भी हुआ था, ये रोक लगाइए इस पर। हम आज़ाद भाई को यही कहेंगे, जो कहेंगे वही पर हम भी कहेंगे। कहाँ से हैं आप? कुटाना। कुटाना से हैं? ओलागढ़। हाँ सर। जिस तरह से यहाँ पे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो है, चंद्रशेखर भाई भी आए थे, उनके समर्थन में आए थे पीड़ित परिवार से मिलने और मिलकर आश्वासन दिए कि 17 तारीख से DM कार्यालय के सामने धरना देंगे।